ये डोरी वाली पाइपिंग बनाने के लिए हमें ऐसा एक मोटा अच्छी क्वालिटी का डोरी लेनी होगी। ये जो धागा है, ये जो कॉर्ड है हमारा, वो अच्छी क्वालिटी का कलफ लगा हुआ होना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है ये अच्छी क्वालिटी का धागा लेना चाहिए हमको। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके जो ये प्रेशर फुट है हमारा, इसको लेफ़्ट या राइट, जो आपका लेफ़्ट हैंड ज़्यादा चलता है तो लेफ़्ट को ले लीजिए या राइट को, मुझे लेना है इसको। मैं इसको अपने इसको हम मैं करने वाली हूँ लेफ़्ट में, क्योंकि मैं राइट से पकड़ के करूँगी। बस इतनी सी सेटिंग करनी होती है हमारी, और फिर इसमें इसको इस तरीके से सुई और प्रेशर फुट के लेफ़्ट वाले फुट की साइड को उसमें कॉर्ड फंसा देना है। देखिए किस तरीके से, इस तरीके इन दोनों के बीच में कॉर्ड फंसा देना है, निडल और प्रेशर फुट के बीच में। और फिर आसानी से आप इसको खींचते हुए जाइए और बिल्कुल अच्छे से इसको, अब ये देखिए इस तरीके से हमें करना है। और ये लेफ़्ट हैंड को या राइट हैंड में इसको पकड़ते जाइए, एकदम सीधी सिलाई आएगी बहुत अच्छे से तरीके से। ये देखिए हमारी डोरी वाली पाइपिंग तैयार हो चुकी है इस तरीके से, देखिए बिल्कुल परफेक्टली सिलाई हो गई है। देखिए ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। देखिए बिल्कुल पतली एकदम स्लीक पाइपिंग हमारी रेडी हो चुकी है। और इस पाइपिंग में जो ये पट्टी लगती है वो बायस पट्टी लगती है, उसकी कटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और हमें एक पतली पाइपिंग के लिए थोड़ा सा इसको ट्रिम करना पड़ता है ताकि ये अच्छे से लग पाए। और इसमें जो ये पिंक कलर की पट्टी, कौन सी पट्टी यूज़ होगी, बायस पट्टी यूज़ होती है। और ये पट्टी वो किस तरीके से, कौन से एंगल पे, कौन से डिग्री एंगल पे होनी चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।